जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में सोशल सेक्टर के संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो भी शिक्षण संस्थान मानक विहीन ढंग से संचालित रहते हुए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग प्रेषित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता निरस्त करने की संतुति की जाए, जिससे योजना का संचालन पारदर्शी ढंग से हो सके। वृद्धावस्था, विकलांग एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के संबंध में निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव अपने ग्राम पंचायत के पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजना से लाभान्वित किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी मौजूद रहे। सबसे पहले और ये कौन लेडी हो तो बैठे हैं।